मैं दिलीप गौर, भारतीय जनता पार्टी का नागपुर शहर का उपाध्यक्ष हूँ। आज वृक्षारोपण कार्यक्रम ही प्रभाग नंबर 2 में मयूर नगर में रखा गया है और यहाँ के जो वार्ड के अध्यक्ष हैं पंकज यादव, प्रशांत शुक्ला, हमारी रंगारी ताई है, ऐसे सभी कार्यकर्ता है, हमारे मंडल के उपाध्यक्ष युवा मोर्चे के विष्णु तिवारी जी, पूरे कार्यकर्ताओं को मिलकर के सुहेल जी है, शर्मा जी है, तिवारी जी, ऐसे सारे कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के वृक्षारोपण कार्यक्रम का किया गया है। वृक्षारोपण कार्यक्रम का उद्देश्य 2 है। एक तो गडकरी साहब के छत्र छाया के अंदर में इस देश के अंदर में जितने अच्छे काम उनका परिवहन मंत्री रहते समय हुए हैं, कोई माइका लाल बोल दे कि ये 60 साल में भी कोई काम किया हो जो 10 साल में गडकरी ने करके दिखाया, देश में कोई नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति हो ही नहीं सकता ऐसा व्यक्ति जो काम किया। आज उनके कार्यशाली की कार्य करने की जो क्षमता है वो किसी में नहीं है और गडकरी साहब की छत्र छाया के अंदर में नागपुर शहर के अंदर में इस कोरोना काल के अंदर जितना कार्यकर्ताओं को और बाकी जनता को जितना फायदा हुआ है, क्योंकि इस सरकार ने जो नाकारा सरकार थी, सरकार के माध्यम से यहाँ पे ऑक्सीजन और रेमडेसिविर और बाकी सारी दवाइयों का जो कमी हो गई थी, तो हमारे गडकरी साहब ने प्रयत्न करके इस नागपुर शहर के अंदर में बाहर देश से विशाखापट्टनम से यहाँ ऑक्सीजन मंगाया और ऑक्सीजन मंगा करके ये जनता को जो सेवा दी रही, लोगों की ज़िंदगी बचाई। इसलिए वो व्यक्ति जो जिस तरीके से उनकी छत्र छाया के अंदर में जो भी जनता का काम वो लोग करते हैं और जो लोगों को उनसे फायदा मिलता है, वैसे उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमने ये पेड़ लगा करके इसलिए काम ये किया है कि भाई गडकरी साहब के जन्मदिन में ये पेड़ भी जैसा गडकरी साहब नागपुर शहर की छत्र छाया में, गडकरी साहब की छत्र छाया में जो नागपुर शहर पनप रहा है, वैसे ही इस क्षेत्र के अंदर में एक अच्छी हवा हो, अच्छा ऑक्सीजन हो और परिसर साफ सुथरा रहे, लोगों की जिंदगी सुकृत रहे। इस देश में जो इतनी बड़ी कोरोना महामारी आई है, इस महामारी से लोगों को निजात मिले, इसलिए यही उनके उपलक्ष्य में और उन्हें जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं हम यहाँ देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे नेता देश के अंदर में और सब लोग गडकरी साहब के मार्गदर्शन पर हम करने की कोशिश करेंगे, यही विनंती करते हैं। गडकरी साहब को जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और उनका दीर्घ आयु हो, यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। जय श्री राम। पंकज यादव, भारतीय जनता पार्टी प्रभाग क्रमांक 2 का अध्यक्ष हूँ और आज इतने पावन पर्व हमारे लिए जो कार्यकर्ताओं के लिए रहता, माननीय श्री नितिन गडकरी का जन्मदिन हर साल हम काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन इस बार साहब ने यह आग्रह किया था कि ये जो जन्मदिन है इस दिन सभी कार्यकर्ता लोगों की सेवाएं करेंगे, आसपास में जो जो चीज़ें उनके लोगों को मदद करने लायक है ऐसा उनको मदद करेंगे उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में। तो जो हमारा हर साल वृक्षारोपण का कार्यक्रम है, इस बार गडकरी साहब के जन्मदिन पर हमने वृक्षारोपण कार्यक्रम वाड़ी के अंदर किया और जगह जगह पर वृक्ष लगाए हैं। के दिन ये संकल्प है कि इस महामारी जो देश और दुनिया को सभी को प्रभावित कर चुकी है, ये महामारी के बीच में वृक्ष लगा के हम ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचा सके, इसलिए वृक्षारोपण का कार्यक्रम हम कर रहे हैं।